जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज की ऑपरेशन लालगढ़, ये घटना है सन 2008 की। उस वक्त पर वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। ये वो वक्त था जब वेस्ट बंगाल के कुछ जिले जैसे कि पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा और पुरुलिया में भारी मात्रा में नक्सलियों का प्रभाव था। नक्सलियों या फिर नक्सलवाद में ये वो लोग थे जो वीआईपीज को कैप्चर करके या उसे मार के सरकार से अपना डिमांड को पूरा करवाते थे। और 2 नवंबर सन 2008 में कुछ ऐसा ही हुआ था। उस दिन शालबनी करके एक जगह है जो बांकुड़ा में पड़ता है, वहां जिंडल स्टील प्लांट की एक फैक्ट्री के इनॉग्रेशन और प्लानिंग करके तत्कालीन वेस्ट बंगाल के सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य, सेंट्रल मिनिस्टर रामविलास पासवान गाड़ी में लौट रहे थे। लौटते वक्त उनकी गाड़ी और पूरे आगे पीछे जो भी पुलिस कॉन्वॉय चल रहा था वो सब एक लैंडमाइन का शिकार होते हैं। लैंडमाइन ब्लास्ट होता है, सीएम साहब, सेंट्रल मिनिस्टर साहब को कुछ नहीं होता है, लेकिन एक पुलिस जीप इस लैंडमाइन के प्रभाव में आ जाता है और 6 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इस घटना के तुरंत बाद ये इंसर्जेंट मीडिया बुला करके ये कहते हैं कि इस जगह पर हम स्टील प्लांट बनाने नहीं देंगे और इसीलिए यह हमला हुआ है, और अगर यहाँ पर स्टील प्लांट बनता है तो और लाशें गिरेंगी। मीडिया की इस रिपोर्ट से, नक्सलियों की इस धमकी से वेस्ट बंगाल सरकार हिलने लगा था। सरकार ने पहले वेस्ट बंगाल पुलिस को नक्सलियों को खत्म करने की जिम्मेदारी दी, हर तरीके की पावर वेपन्स उनको दिया गया, लेकिन वेस्ट बंगाल पुलिस नक्सलियों को खत्म करने में नाकामयाब रहे। कई सारे पुलिस वाले जो बांकुड़ा और शालबनी के आसपास में पोस्टेड थे उन्होंने अपना नौकरी तक छोड़ दिया। धीरे धीरे सिचुएशन पुलिस और सरकार दोनों के हाथ से निकलने लगा। उस वक्त पर वेस्ट बंगाल के तत्कालीन सीएम ने सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मांगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस वक्त पर सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज का इन्वेंशन किया था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम अपना कोबरा कमांडोज की बटालियन को आपके वहां भेजते हैं इंसर्जेंट को खत्म करने के लिए। 17 जून सन 2009 में मेदिनीपुर में डिप्लॉय किया जाता है सीआरपीएफ के डेंजरस कोबरा कमांडोज को। कोबरा कमांडो सीआरपीएफ का ही एक कमांडो यूनिट है जिन्हें जंगल वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, गोरिल्ला वॉरफेयर में हाईली ट्रेंड किया जाता है। आधुनिक हथियार दिल में जज्बा और साहस लेकर के ये कमांडोज मेदिनीपुर आते हैं। मेदिनीपुर आते ही एक बैठक और मीटिंग बुला करके पूरे ऑपरेशन को एक प्लान के तहत बनाया जाता है। उस वक्त पर उस इलाके में नक्सलियों का सबसे बड़ा लीडर था किशन जी। कमांडोज को कहा गया इसी किशन जी को ठोकना है या तो सरेंडर करवाना है। कमांडोज को टारगेट देते ही बांकुड़ा, मेदिनीपुर, झाड़ग्राम और पुरुलिया के घने जंगलों में कमांडोज फैल गए। शुरू हुआ कोबरा कमांडो और नक्सलियों के बीच में अंधाधुन फायरिंग, गोलाबारी, लेकिन आधुनिक हथियार में लैस, जंगल वॉरफेयर में हाईली ट्रेंड इन कमांडोज के सामने नक्सलियों टिक नहीं पाए। ये कमांडोज मेदिनीपुर और बांकुड़ा के घने जंगलों में नक्सलियों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करने लगे। कुछ लोग सरेंडर भी कर रहे थे लेकिन ज्यादातर लोगों को मार दिया जा रहा था। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, इन सब नक्सलियों के ग्रुप में सिर्फ पुरुष नहीं थे, महिला भी थे। तो सरेंडर करने से पहले बहुत सारे महिला खुद की जान ले रहे थे, बहुत सारे महिला सरेंडर कर रहे थे और कुछ को मारा जा रहा था। सन 2009 से लेकर के 2010 तक किशन जी का पता कोबरा कमांडोज को नहीं मिला। नक्सलियों के हर घाटी पर रेड मारा गया, हर घर को ढूंढा गया, लेकिन किशन जी का कोई अता पता नहीं है। जो भी सरेंडर किया वो भी किशन जी का पता नहीं बता पाए। लोगों के ऊपर टॉर्चर किया गया लेकिन किशन जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। सर्च ऑपरेशन चलता रहा, समय बीतता गया और 20 नवंबर 2011 को एक खबर आती है कि किशन जी बंगाल छोड़ करके झारखंड भाग रहे हैं। बंगाल और झारखंड दोनों आसपास के रहने वाले स्टेट्स हैं, इसीलिए बंगाल और झारखंड के बॉर्डर क्रॉस करके वो झारखंड जाने वाले हैं। सरकार को ये खबर मिलते ही बंगाल झारखंड के सभी बॉर्डर को सील किया जाता है। भारी मात्रा में पुलिस चेकिंग करने लगती है और जंगलों के रास्ते कमांडोज को आगे बढ़ने दिया जाता है। ढूंढते ढूंढते 24 नवंबर 2011 को लगभग रात के 9:30 बजे एक घाटी पर किशन जी को स्पॉट किया गया। वो घाटी मेदिनीपुर में बंगाल और झारखंड के बॉर्डर के पास में था। किशन जी को स्पॉट करते ही दोनों ओर से फायरिंग शुरू होता है। भयानक फायरिंग में मेदिनीपुर का जंगल दहल उठता है, लेकिन ये इंसर्जेंट किशन जी कोबरा कमांडोज का सामना नहीं कर पाए और ऑपरेशन के अंत में जाकर के किशन जी का एनकाउंटर कर दिया जाता है। किशन जी के एनकाउंटर के साथ में ही खत्म होता है ऑपरेशन लालगढ़ और उसके बाद से इन सब इलाकों पर धीरे धीरे इंसर्जेंट के हाव भाव कम होने लगा। दूसरी तरफ कोबरा कमांडोज के लिए ये बहुत बड़ा सक्सेस था कि कोबरा कमांडोज ने ये प्रूव कर दिया कि सच में जंगल वॉरफेयर की जो ट्रेनिंग उन्हें दिया गया है, जरूरत पड़ने पर आतंकवादी और माओवादी के खिलाफ ऑपरेशंस के लिए उन्हें किसी भी जगह पर डिप्लॉय किया जा सकता है। आशा करते हैं सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज की यह डेंजरस ऑपरेशन लालगढ़ की सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड स्टोरीज आगे सुनने के लिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।